रहे हो, इस तरीके से हमारा ये पैकिंग होना शुरू हो गया है। इसमें आप जितने का लड्डी बनाओगे, 10 का, 12 का, 20 का, ऑटोमेटिक आपका लड्डी बनेगा। देखिए पूरा वेयरहाउस है, मतलब काफी बड़ा एरिया नहीं है, छोटा सा ही दे रखा है, तो यहाँ पे पूरा सेटअप कर रखा है इन्होंने। ये जो बिजनेस है ये एक्चुअली फ्राइम्स का बिजनेस है, जिसमें आपको नाम सुना होगा, मार्केट में काफी प्रोडक्ट आते हैं जैसे कटोरी, चाउमीन, पास्ता, एबीसीडी, ट्राइंगल, ये सारे फ्राइम्स आइटम होते हैं। ऐसा ही आप देख सकते हो, जैसे ये कटोरी है, पास्ता है, चाउमीन है, तो ये कैसे तैयार होती है, कैसे इनकी पैकिंग होती है और कैसे इनकी क्वालिटी बनाई जाती है, वो सारा कुछ मैं आज इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। माल जो है सीधा मार्केट से कच्चा मिलता है, हम इनको कैसे फ्राई करते हैं आपको फ्राई करके दिखाएंगे, और इनकी कैसे फ्लेवरिंग की जाती है फ्लेवरिंग करके दिखाएंगे, और साथ के साथ इन ब्रांडिंग में पैक करके भी दिखाएंगे। मतलब अपना कोई ब्रांड बनवाना चाहता है तो उस तरीके से देखिए। अभी जो आप देख रहे हो ये राम जी के नाम से ही तीनों प्रोडक्ट है, तो ये एक अपनी खुद की ब्रांड है जो सर ने लगाई हुई है, तो हम आपको जो दिखाने वाले हैं वो उनकी खुद की ब्रांड का प्रोडक्शन दिखाएंगे, कैसे वो अपना अपनी ब्रांड में पैक करके मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं। और सर मैं बात करूं तो जैसे इन्वेस्टमेंट की बात करूं या पूंजी की बात करूं, तो कितना इन्वेस्टमेंट करके कोई ये काम शुरू कर सकता है? इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि इसमें कम से कम इन्वेस्टमेंट हो रहा है और बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। इसमें सिर्फ 2-3 मशीन आपको लेनी पड़ेंगी और अपना घर से ही आप इसको शुरुआत कर सकते हो। तो इसमें मशीन कौन कौन सी होती है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, कितने उनका प्राइस होता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, कितनी जगह लगेगी और कौन सा बिजली का कनेक्शन लगेगा आपको, वो सारा कुछ मैं आपको इसमें दिखाने वाला हूं। दोस्तों देखिए लघु उद्योग फूड प्रोडक्ट का देखिए बिजनेस, आप घर बैठे एक छोटे से कमरे से, एक छोटे से स्पेस से आप ये स्टार्ट करके महीने के लाखों रुपए कमा सकते हैं, आराम से कमा सकते हो, क्योंकि मार्केट में आज के डेट में आप देखते होंगे ऐसी कोई दुकान नहीं है, ऐसा कोई होलसेलर नहीं है जिनके पास ये प्रोडक्ट ना हो। तो मार्केट में सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट ये है और सबसे ज्यादा इसमें बेनिफिट भी है आपको, हर जगह कंजम्पशन होता रहता है दोस्तों, गांव, शहर, मोहल्ला, कहीं पर भी देखिए आप इसको आराम से किसी छोटे शॉप पे, बड़े शॉप पे, हर जगह इसको सेल कर सकते हैं। हाँ जी, और मार्जिन आप लोगों का काफी अच्छा इसमें होने वाला है। हाँ जी, तो दोस्तों वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा, पूरी वीडियो एंड तक देखिए ताकि आप इसमें कोई भी जानकारी मिस आपसे ना हो। जैसे कि मैं आपको बता रहा था ये सबसे अपना छोटा सा सेटअप है जिसमें जो मशीनों की जरूरत पड़ती है, ये आप मैं आपको दिखा देता हूँ हमारा जो माल है वो क्या होता है प्राइम आइटम में। ये हमारा कटोरी होता है, आप देख सकते हो ये कटोरी कच्चा मार्केट में मिलता है बड़े आराम से, ये आप देख सकते हो इस तरीके से, ये एबीसीडी है हमारी, ये भी मार्केट में आराम से मिल जाती है, ये चाउमीन है हमारी जो कि आप मार्केट में देखते हो बड़े आराम से मिल जाती है, और यहाँ पर ये हमारा पास्ता है। तो इन्हीं सबों की हम मैन्युफैक्चरिंग करके आपको दिखाएंगे इनका प्रोसेस कैसे होता है और ये पाउच में कैसे फिल होते हैं। तो बनाने से पैकिंग तक पूरी प्रक्रिया मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जिसमें हमारी सबसे नंबर वन मशीन होती है इसको फ्राई करने का प्रोसेस। तो फ्राई करने का जो प्रोसेस है हमारा, हमने छोटी सी भट्टी लगाई हुई है, वो इस भट्टी में हम आपको माल फ्राई करके दिखाएंगे कैसे ये फ्राई होता है। तो हम अपना पहला बैच इसमें डालेंगे और कैसे फ्राई होता है वो दिखाएंगे। तो सर इसमें डालो, ये आप देख सकते हो हमने डाल दिया और मात्र 30 सेकंड के अंदर हमारा ये प्रोडक्ट फ्राई हो जाता है। इसमें बहुत ही ज्यादा कम समय नहीं लगता है, मात्र 30 सेकंड के अंदर हमारा एक बैच रेडी हो जाता है। आपने देखा होगा भी छोटा छोटा सा कटोरी एकदम बहुत ही अच्छी क्वालिटी में फ्राई होकर के रेडी हो चुका है। अब हम इस बैच को अपना निकाल के और जो दूसरा प्रोसेस है वो करके आपको दिखाएंगे। जैसे कि भी आपने देखा है मात्र 30 सेकंड के अंदर हमारा ये कटोरी फ्राई हो चुका है। ऐसा ही हम आपको दिखाएंगे कि और भी इधर हर टाइम हमारे कैसे फ्राई होते हैं। भी हम आपको चाउमीन फ्राई करके दिखाएंगे कि जैसे हमने कटोरी करा था ऐसे ही हम चाउमीन थोड़ा सा आपको डाल के इसमें दिखाएंगे और ये अपना फ्राई होना शुरू हो जाएगा। प्राइम आइटम का सबसे बेस्ट बेनिफिट ये होता है मात्र 30 सेकंड के अंदर हमारा प्रोडक्ट फ्राई हो जाता है। अभी जो हमने छोटा सा माल डाला था मात्र आधी किलो, अब आप देख सकते हो कढ़ाई पूरी भर चुकी है हमारी। क्वालिटी आप देख सकते हो, ये जो कच्चा माल है सीधा अहमदाबाद से यहाँ पर आया है। अच्छा, और अहमदाबाद के माल में सबसे बेस्ट बेनिफिट ये होता है कि एकदम क्वालिटी बहुत अच्छी मिलती है। अहमदाबाद के माल के अलावा आपको कहीं भी ऐसी क्वालिटी नहीं मिलेगी। तीसरा प्रोडक्ट हमारा आप देख सकते हो, हम आपको पास्ता फ्राई करके दिखाएंगे पास्ता कैसे फ्राई होता है। ठीक है, जो भी माल हमारे सिर्फ मार्केट से कच्चे मिलते हैं, आप कहीं से भी ले सकते हो और सीधा उनको इस तरीके से फ्राई करना है। बात 30 सेकंड के अंदर हमारा प्रोडक्ट फ्राई हो जाता है, आप देख सकते हो कितना बड़ा बड़ा पास्ता हो गया है। ऐसी क्वालिटी आपको कहीं नहीं देखने मिलने वाली है। आपको हम जो दिखा रहे हैं सबसे बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट दिखा रहे हैं जो कि ऑल ओवर इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा आपको ऐसा प्रोडक्ट। जो माल हमने फ्राई करा था अब हम उसको सीधा इस हाइड्रो के मशीन के द्वारा यूज करेंगे ताकि जो इसमें एक्स्ट्रा ऑयल है वो हमारा निकल सके। अब हम इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल को उसको निकालने के लिए अपने हाइड्रो का यूज करेंगे, इसको बोलते हैं ऑयल ड्रायर मशीन, जिसके द्वारा एक्स्ट्रा ऑयल को निकाला जाता है। तो हमारा बैच इसमें डलेगा और हम आपको एक्स्ट्रा ऑयल को निकाल के दिखाएंगे।
इसमें कितनी क्वांटिटी डाल सकते हैं सर? इसमें एक बैच में आपका करीब 2-2.5 किलो आएगा। अच्छा। आप देख सकते हो ये जो हमारा टोकरा था इसके अंदर जाली थी, कुछ ऑयल तो हमारा यहीं पर ही निकल जाता है, निकल जाता है। और कुछ ऑयल जब हम आपका इसका यूज करेंगे तो यहाँ पर निकलेगा हमारा। तो दो प्रोसेस से हमारा ऑयल निकल जाता है। अब हम आपको मशीन चालू करके दिखाएंगे कैसे ये ड्रायर ऑयल को निकालता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीका से हमारा ये हाइड्रो घूमता है और अलग से हमारा ऑयल निकलना शुरू हो जाता है। देख सकते हो हमारा ड्रायर में जो एक्स्ट्रा ऑयल था वो हमारी कटोरी, आप देख सकते हो जो एक्स्ट्रा ऑयल था वो निकल चुका है। हमारी ड्राई ड्राई कटोरी हमारी बन चुकी है। अब इसको हम अगले प्रोसेस के लिए लेके जाएंगे। तो हम हाइड्रो से सीधा इसको निकालते हैं और हमारा सीधा इसके इस बर्तन में हमारा कटोरी आ जाएगा। जैसे कि हमारा कटोरी बना था, अब हम इसकी फ्लेवरिंग करेंगे। तो ये हमारा मसाला मिक्सचर मशीन होती है जिसमें हम अपना फ्लेवरिंग करना है। तो ये इस बैच को हम इसमें डालेंगे और अपना फ्लेवरिंग करेंगे। बिल्कुल। ये हमारा जो बैच है 5 केजी का बैच है। ठीक है। और एक हमारा जो इसमें मसाला डलता है 10% के हिसाब से डलता है। अगर 10 किलो का बैच होगा तो हमारा 1 किलो मसाला डलेगा, यानी कि ये 5 केजी है तो 5 केजी के हिसाब से हमारा 500 ग्राम मसाला डलेगा। तो 500 ग्राम मसाला हम इसमें आपको डाल के दिखाएंगे और इसकी फ्लेवरिंग करेंगे। ये सारा कुछ अगर आप मेजरमेंट करके करते हो तो हमारी क्वालिटी करा रहती है और बार सेम बनती है। हमारा 5 केजी में 500 ग्राम मसाला ऐड होगा, क्योंकि ये स्नैक्स आइटम बहुत ही लाइट वेट होता है। आप देख सकते हो मात्र 5 किलो में हमारा ड्रम भर चुका है। अगर इससे ज्यादा हम भरेंगे तो हमारा माल बाहर गिनना शुरू हो जाएगा, इसलिए इसमें हमारा एक बैच में 5 किलो माल आता है। जैसा कि आप देख सकते हो हमारा मसाला लगकर रेडी हो चुका है। आप देखोगे इसकी ब्राइटनेस और क्रंचनेस कितना है, एकदम बेहतरीन क्वालिटी में ये माल बना है। इससे ज्यादा क्वालिटी आपको कोई नहीं दे सकता पूरे हिंदुस्तान में। हो चुका है, हाँ जी, इस चीज की गारंटी है। जो ये जो माल है इतना बेहतरीन क्वालिटी में बना है कि मैंने आज तक अपनी लाइफ में कहीं नहीं देखा ऐसा क्वालिटी का माल। ये जो हमारा प्रोडक्ट बना है इसका जो हमारा काम है वो सिर्फ है इसको पैकेजिंग करना। आप देख सकते हो इसी वक्त जो हमने लगाया हुआ हमारा चाउमीन का रैपर लगा हुआ है। तो हमारे पास ऑलरेडी कटोरी चाउमीन वगैरह बने पड़े हैं। जैसा कि हमने अभी आपको दिखाया तो हमारी जो कटोरी बनी हुई थी इसको हमने एलडी बैग में केयर करके रख लिया है। ऐसा ही हमारा चाउमीन रखा हुआ है। अब हम आपको जो कि हमारा चाउमीन का पेपर लगा है तो हम आपको चाउमीन पैक करके दिखाएंगे। तो यहाँ हम इसको बकेट में भर के और हॉपर में डालेंगे, उसके बाद हमारा पैकिंग होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर ये हमने हॉपर में माल डाल दिया है और जितने ग्राम हमको पैक करना होता है हमारी यहाँ पर एक कटोरी लगी हुई होती है और कटोरी के बाद हमारा ऑटोमेटिक पैक होना शुरू हो जाएगा। अब हमको सिर्फ इस मशीन को चालू कर देना है और हमारा प्रोडक्शन होना शुरू हो जाता है। आप ये देख सकते हो इस तरीके से हमारा ये पैकिंग होना शुरू हो गया है। इसमें आप जितने का लड्डी बनाओगे 10 का 12 का 20 का ऑटोमेटिक आपका लड्डी बनेगा। यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ दिखाऊंगा, यहाँ पर आप सर दिखाइए पाउच के ऊपर MRP नेट वेट ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल होकर आ रही है। आप देख सकते हो बिल्कुल अच्छी क्वालिटी में 5 रुपये MRP 20 ग्राम में हमारा पैक होता है। यहाँ पर हर पाउच पर 20 ग्राम आपको पैक होता हुआ दिखेगा। तो ये सारी जो है ये मशीन कर रही है। हाँ, ये हमारी इसको बोलते हैं रिवन हॉट कोटिंग मशीन, जिसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है और वन टाइम इन्वेस्ट में हमारी मशीन लग जाती है। और यहाँ पर रोल से सीधा हमारा, यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा ऑटोमेटिक वजन हो रहा है और वजन होने के बाद सीधा हमारे यहाँ पाउच पर माल गिर रहा है और सीधा हमारा लड़िया बनना शुरू हो रहा है। तो इसको बोलते हैं हमारा पैकिंग मशीन, जो कि फाइनल प्रोडक्शन होता है हमारा। सर बात करूं तो जैसे प्रोडक्शन कितना कर देती है मशीनें? इस मशीन की जो क्षमता है सर, ये एक घंटे में आपका 2000 पैकेट बनाएगी और हैवी आइटम 10 से 250 ग्राम पैक करती है। लेकिन ये जो स्नैक्स आइटम होते हैं आप देख सकते हो ये मैक्सिमम 50-60 ग्राम ही ये पैक कर पाती है। तो 5 रुपये और 10 रुपये की MRP में ये स्नैक्स आइटम ज्यादा चलती है, तो ये दोनों ही पैक कर देगी आपका। इस तरीके से देखिए पूरा पाउच बन गया है, आप देख सकते हो। ये सर की अपनी खुद की ब्रांड है रामजी के नाम से, और रामजी के नाम से ये 5 रुपये की MRP में हमारा प्रोडक्ट पैक हो रहा है। चाउमीन का रैपर है और चाउमीन ही हमारा इसमें पैक हो रहा है। फिनिशिंग देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए कटिंग वगैरह आप देख सकते हैं एकदम बराबर कर रखा है मशीन। बिल्कुल, आप इसको फाड़ोगे तो आपका ऑटोमेटिक फट जाएगा जी। अभी जो मेरा ये पैक हुआ था, मैं एक पाउच में आपको खोल के दिखा देता हूँ किस तरीके से हमारा पैक हुआ था ये माल। ये मैंने अपना पैकेट खोला है और इसको मैं आपको खोल के दिखाऊंगा। ये आप देख सकते हो, ये मेरा चाउमीन पैक हुआ था इसमें। क्या बात है, ये आप देखिए, ये चाउमीन मेरा पैक हुआ था, वही आपने पैक होकर बहुत ही शानदार, बहुत ही खाने में बहुत ही लाजवाब होती है, क्वालिटी बेहतरीन। देखिए आप लोगों को इस तरीके से प्रोडक्ट चाहे पैकिंग हर चीज आप लोगों को एक नंबर की यहाँ पे मिलने वाली है, देख सकते हैं। पाउच में एयर भरने के लिए हमारा नाइट्रोजन सिलेंडर लगा हुआ है। ठीक है जी, क्योंकि खाने पीने के जो प्रोडक्ट है उसमें नाइट्रोजन का भरना कंपलसरी है, वरना प्रोडक्ट हमारा खराब हो जाता है। खराब हो जाएगा। नाइट्रोजन एयर भरने के बाद हमारा 4 महीने तक प्रोडक्ट वैलिड हो जाता है, यानी कि 4 महीने तक हमारा प्रोडक्ट चलता है। और इस मशीन के हमें जो लास्ट मशीन की जरूरत पड़ती है वो हमारी, ये आप देख सकते हो, ये है एयर कंप्रेसर मशीन। इस मशीन की जरूरत पड़ेगी तभी हमारा पैकिंग मशीन काम करती है। ओके, तो लास्ट मशीन हमारी ये है जो आपकी कंप्रेसर मशीन होती है। तो दोस्तों देख सकते हैं काफी क्रंची और क्रिस्पी, देखिए पूरा आप लोगों की कटोरी बन चुकी है। इस तरीके से आप अलग अलग प्रोडक्ट यहाँ पे
तैयार करके इसको मार्केट में सेल कर सकते हैं। सर कॉस्टिंग वगैरह की बात करूँ तो मतलब क्या कॉस्टिंग बैठेगी इस प्लांट को सेटअप करने की और क्या फायदा होगा अगर पर पाउच वगैरह दिखा जाए तो? देखिए मेरा काम था मशीन देने का, लेकिन कॉस्टिंग कितनी आ रही है, कैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो सर है ये जिन्होंने मुझसे ये मशीन ली थी और अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं, तो सारी जानकारी सर के थ्रू ही ले लेते हैं कि सर की कितनी कॉस्टिंग आ रही है। तो सर आप ही बता दीजिए आपका ये पूरा बनाने से पैकिंग तक खर्चा कितना आ रहा है एक पाउच को बनाने में? ये जो पाउच है ये लगभग ₹1 का कॉस्ट आता है। अच्छा। और इसमें जो माल है वो ₹1, ₹30, ₹20, ₹40 इतना पड़ता है, मतलब मसाला लग के फ्राई करके रेडी हो जाता है। और एक पाउच में कितना ग्राम आपने डाला हुआ है? इसमें 20 ग्राम डाला हुआ है सर। ठीक है। तो ₹1.30 का माल और ₹1 की पन्नी, यानी कि ₹2.30 और थोड़ा बहुत आपका लेबर बिजली खर्चा मिला के 30 पैसे मान लो, ₹2 जो है आपका 60 पैसा, हाँ 70 पैसा 60 पैसे में रेडी हो जाता है, यानी कि ₹2.60 में आपका एक पाउच फाइनल रेडी हो जाता है। ठीक है। और MRP इसकी दे रखी है ₹5 की। जब आप इसको होलसेल में देते हो वहाँ पर कितने का जा रहा है सर? सर ये हम देते हैं ₹3.30 में। आपको इस काम को करते हुए कितने महीने हो गए सर? हो गया लगभग सर लगभग साल भर होने वाला है। अच्छा, एक साल भर होने वाला है। आपको जब मार्केट शुरुआत करी तो क्या प्रॉब्लम आई? शुरुआत में तो प्रॉब्लम आता है सर, लेकिन आपको मार्केट करना है, मेहनत करके करना है। मतलब शुरुआत में ही ऐसा है कि आपने डायरेक्ट ही 3.75 का दिया या पहले कुछ कम दिया है? नहीं कम में भी दिया है, ज्यादा में भी दिया सर, अलग अलग कस्टमर हमारे पास थे। बिल्कुल। मतलब कहा जाए तो सर नियर अबाउट 3 में भी दिया है, 60 से 70 पैसा एक पाउच में हमारी कॉस्टिंग बचेगी। हाँ, ये मतलब ये इस बिजनेस में अगर आप जाते हो तो 60-70 पैसे एक पाउच में आराम से कर सकते हो। सर जैसे आपने ये पूरा प्लांट सर से लिया है, मतलब कितने सेटअप में कितने इन्वेस्टमेंट करके आपने पूरा सेटअप लिया था? सर इसमें तो हमारा काफी पैसा लगा हुआ है जी। देखिए ये चारों मशीनों की कीमत जो है मात्र आपका ₹2,40,000 का खर्चा आएगा। ₹2,40,000 में आप इन चारों मशीनों के द्वारा अपना काम शुरुआत कर सकते हो। और देखिए इस तरीके का, देखिए आपका अपना खुद का ब्रांड है, आप इसको सेल करिए काफी अच्छी इनकम होने वाली है। और सर जैसे इनकम की बात करूं तो महीने में कितनी आप इनकम कर रहे होंगे नियर अबाउट? सर पहले तो हमारा कम था जी, लेकिन अभी जो है ना हमारा डेली का 20,000 पाउच सेल हो रहा है। 20,000 पाउच सेल कर रहे हैं आप डेली का? अच्छा, लगभग आप 50 पैसे मानिए तो ₹10,000 डेली का। अच्छा, ₹10,000 डेली कमा रहे हैं जी। क्या बात है, मतलब महीने की बात करो 2.5 से 3 लाख रुपए वही लगा लीजिए। अगर 50 पैसे भी प्रॉफिट कमा रहे हो आप तो दिन का आपका ₹10,000 प्रोडक्शन के हिसाब से अगर 20,000 प्रोडक्शन कर रहे हो तो ₹10,000 आपका अर्निंग बड़े आराम से हो रहा है। क्या बात है। और देख सकते हैं दोस्तों मात्र एक साल के अंदर, एक साल ही अभी सर को प्लांट सेटअप किए हुए हुआ है और देखिए 2.5 से 3 लाख रुपए की मंथली इनकम सर यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं। तो इस तरीके से देखिए आप छोटा सा एक लघु उद्योग सर से मशीनरी लेकर के यहाँ पे स्टार्ट करके महीने के लाखों लाख इनकम कर सकते हैं। एक बात भी तो आप देखिए सर मात्र 2.5 लाख रुपए की मशीन में और मंथली ही 2.5 लाख रुपए अर्निंग कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये मेरे ख्याल से लगता नहीं है कि बहुत कॉस्टली, मतलब एक महीने में कहा जाए तो कॉस्टिंग पूरी मशीन की निकल जाएगी, निकल रही है। और 2.5 लाख रुपए होते कितने हैं आप छोटे से आप देख सकते हो, मैंने आपको प्रोडक्शन में दिखाया है 20x20 के रूम में सर अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं और अपना अच्छा खासा रोजगार कर रहे हैं। सर जैसे भी बात करूँ, जैसे ये पन्नी है, पैकेजिंग है, ये ब्रांडिंग है, तो किसी को करवाना है तो ये कैसे होगा? ये देखो अभी जो सर ने लिखा रखा है, सर का तो अपना खुद का ब्रांड है राम जी के नाम से। ठीक है। इनके 3 प्रोडक्ट आप देख सकते हो, जैसे कि आपका ये कटोरी है, ये पास्ता है और ये आपका इनका चाउमीन है। चाउमीन, ये तीनों ही इनका राम जी के नाम से प्रोडक्ट ब्रांड है। तो सर ये आपका अपना खुद का ब्रांड है ना जी सर? तो आपको अगर अपना ब्रांड बनाना है तो आपको अपने ब्रांड की पन्नी भी हम बनवा के दे सकते हैं। अगर किसी का बजट नहीं है कि अपने ब्रांड की पन्नी बनाए तो वो रेडीमेड पन्नी से भी शुरुआत कर सकता है, तो वो रेडीमेड पन्नी भी हम प्रोवाइड करा देंगे। ओके। साथ के साथ जैसे इसको यूज करने के लिए जो कटोरी, चाउमीन, पास्ता, ABCD ये कच्चा माल है वो भी हम प्रोवाइड कराएंगे। इसमें जो फ्लेवर लगा हुआ है क्वालिटी का, वो फ्लेवर भी हम प्रोवाइड कराएंगे। और सर ने प्रोडक्शन करने के लिए आपको छोटी सी चीज और दिखाऊंगा जो सर इसमें डालते हैं, वो है खिलौने। खिलौने आप देख सकते हो, इन्होंने बैलून लिया हुआ है, इस तरह का स्टिकर नोट के है या मोटू पतलू के स्टिकर लगाए हैं, इस तरह की उड़ने वाली बॉल्स वगैरह है। तो बहुत ही अच्छे क्वालिटी के खिलौने सर डाले हैं ताकि इनकी मार्केट बनी रहे। दोस्तों देखा मतलब किस तरह से, देखिए एक छोटा सा सेटअप लगा करके आप महीने के लाखों लाख की आमदनी कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से काफी जबरदस्त प्रोडक्शन यहाँ पे हो रही है और सेल भी काफी अच्छी सर यहाँ पे कर रहे हैं। सर मान लीजिए अगर ये मशीनरी सेटअप कोई लगवाना चाहे आपसे तो कैसे कॉन्टेक्ट करेगा? देखिए मशीनों के लिए आपको जरूरत पड़ती है तो आपको हमारे पास जब कॉन्टेक्ट करते हो तो हमारा ऑनलाइन आप दे सकते हो, सर के मैं नंबर दे दूंगा, वो अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। साथ के साथ हमारा इंडिया मार्ट पे लिस्टिंग है तो वहां से भी आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है। और जो हमारा एड्रेस है वो नोएडा सेक्टर 10 में है और सेक्टर 10 में A79 फैक्ट्री नंबर है हमारा। Okay. कंपनी का नाम है हिंदुस्तान फूड मशीनरी, A79 नोएडा सेक्टर 10 हमारा फैक्ट्री है और नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन है वो हमारा नई दिल्ली है। आप किसी अदर स्टेट से आते हो, नई दिल्ली आइए, वहां से मेट्रो आती है, कैब आती है, वहां से आप सीधा A79 सेक्टर 10 आ सकते हो।
ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें एक बार कॉल कर सकते हो, और जो भी कोई आपको क्वेश्चन हो, सवाल हो, वो हमसे कर सकते हो। मैं अपने YouTube चैनल पर भी वीडियो डालता रहता हूं, वहां से मैं सर को अपना लिंक दे दूंगा, वहां से आप चैनल को ओपन करके मेरी सारी वीडियो मशीन के रिलेटेड देख सकते हो। इसके अलावा काफी तरीके की मशीनें मेरे पास होती है, वो सारी मशीनों की जानकारी आपको उस वीडियो में मिल जाएंगी। यानी कि मेरे चैनल को आप देख करके उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ के साथ सर के चैनल को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।